हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। फटाफट करेंट प्लस स्टैटिक सीरीज में आज हम बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स की। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड ये किसे मिला है? ये मिला है टीवीएस मोटर्स को। टीवीएस मोटर कंपनी है, इनको मिला है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ग्रीन एनर्जी अवार्ड क्यों मिलता है? तो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी काम कर रही है, इसलिए उन्हें मिला इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड। नेक्स्ट है 45th वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड, ठीक है। 45th ये अवार्ड दिया गया, 45th टाइम ये दिया गया, इससे पहले 44 बार दिया जा चुका था। वायलार रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड ये मिला है कि नहीं? ये मिला है बेनियामिन को। नेक्स्ट है 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, ये किसे मिला है? तो ये मिला है रणदीप गुलेरिया को, ये एक डॉक्टर है पेशे से। नेक्स्ट है आर्यभट्ट अवार्ड, ये किसे मिला है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को मिला है, डीआरडीओ के ये अभी हेड है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, आर्यभट्ट अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट है जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रैंक, इंडियन आर्मी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रैंक, जनरल का अवार्ड किसे मिला है भाई साहब? तो ये मिला है नेपाल आर्मी चीफ प्रभु राम शर्मा, नेपाल आर्मी के ये चीफ है। इन्हें इंडियन आर्मी में जो जनरल का रैंक होता है ना, वो सम्मान इन्हें दिया गया है, जबकि ये नेपाल के आर्मी चीफ है, ठीक है। नाम क्या है? प्रभु राम शर्मा। नेक्स्ट है 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड फॉर लिटरेचर 2020। तो 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड किसे मिला है लिटरेचर के फील्ड में? ये मिला है बेरिल थंगा को। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड टीवीएस मोटर कंपनी को, 45th वायलार रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड बेनियामिन को, 22nd लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड रणदीप गुलेरिया को, आर्यभट्ट अवार्ड मिला है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को, जनरल आर्मी जनरल ऑफ इंडियन आर्मी रैंक ये दिया गया है नेपाल आर्मी के चीफ है प्रभु राम शर्मा उनको, और 12th मणिपुर स्टेट अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में ये मिला है बेरिल थंगा को। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट 2021, ये अवार्ड किसे मिला है? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ये किसे मिला है? तो ये मिला है भाई प्रथम एनजीओ को, प्रथम नाम का एक एनजीओ है उसे मिला है। उसके बाद है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीआई, ठीक है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के फील्ड में एक्सीलेंस के लिए, एक्सीलेंट काम करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है श्रीनिवासन जैन एंड मरियम अलावी ऑफ एनडीटीवी एंड लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड भानु प्रकाश चंद्रा ऑफ द वीक। देखिए लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रताप चंद्रा ये है वीक के, आई मीन वीक एक ऑब्वियसली मैगजीन है, पेपर है, चैनल है, तो इस चैनल से किन्हें मिला है? लक्ष्मी सुब्रमण्यम को और भानु प्रकाश चंद्र को, और उसके अलावा श्रीनिवासन जैन और मरियम अलावी ये एनडीटीवी के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड। नेक्स्ट है आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020। तो ये तो 2021 की बात हो गई, 2020 के लिए किसे मिला था सेम अवार्ड आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म? तो ये मिला था रितिका चोपड़ा को, और ये इंडियन एक्सप्रेस की थी, ठीक है। तो 2020 और 21 दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर 2017 to 19। सातवां ये एडिशन था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड का 2017 से 19 के लिए, ये किसे मिला है? ये मिला है भाई, ये मिला है, ये मिला है, वेट अ सेकेंड, वी प्रवीण राव को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 4th कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज, ये चौथी बार दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 के लिए, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय दिन्यार पटेल। दिन्यार पटेल की बुक है एक नौरोजी पायोनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, इस बुक के लिए दिन्यार पटेल को मिला है चौथा कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इन 2021 बाय स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स के द्वारा
इंडिया में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है आईजीआई एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को, बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद है असम्स गवर्नमेंट असोम वैभव अवार्ड 2021। असम गवर्नमेंट का ये असोम वैभव, जिस तरीके से भारत के लिए भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार, उसी तरीके से असम गवर्नमेंट का ये है असम गवर्नमेंट का असोम वैभव, तो ये किसे दिया गया है? रतन टाटा को अभी हाल ही में 2021 में दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला भाई 2021 के लिए? ये मिला था नीलमणि फुकन जूनियर, 56th मिला था, सॉरी ये 2020 के लिए, और दामोदर मौजो ये 57th इन्हें मिला था, ठीक है। ज्ञानपीठ तो 56th ज्ञानपीठ पूछ रहे, तो किन्हें मिला था? नीलमणि फुकन जूनियर को और 57th दामोदर मौजो को, ठीक। नेक्स्ट है यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड 2021, ये किसे मिला है? यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड 2021 ये मिला है रूपेश गोयल को। एंड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ये प्राइज है, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये मिला है नीना गुप्ता को। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड ये किसे मिला है अभी हाल ही में? तो ये मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, सेल को। कौन सा अवार्ड? तो गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट, इसको याद रखिएगा, काफी ये महत्वपूर्ण है। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट ये मिला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुशीला देवी अवार्ड 2021 ये किसे मिला है? सुशीला देवी अवार्ड 2021 ये मिला है अनुकृति उपाध्याय फॉर किन सुगी के लिए इन्हें मिला है सुशीला देवी अवार्ड। किन सुगी इनकी रचना है अनुकृति उपाध्याय की। उसके बाद है मुंबई प्रेस क्लब रेड इंक अवार्ड, मुंबई प्रेस क्लब्स रेड इंक अवार्ड 2020 ये मिला है दानिश सिद्दीकी को। इसराइल में जब अभी दंगे हुए थे तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। फोटोग्राफर थे ये, कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट फोटोग्राफर थे, वॉर के दौरान फोटोज वगैरह लिया करते थे। तो मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा रेड इंक अवार्ड इन्हें मिला है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसराइल में नहीं, जो अफगान में ये अभी युद्ध चल रहा था ना तालिबान और अफगान के बीच, तो उस ड्यूरेशन में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक, दानिश सिद्दीकी की। आगे बढ़ते हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 ये किसे मिला है? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 ये मिला है कि नहीं, ये मिला है नमिता गोखले को, साहित्य एकेडमी 2021। नमिता गोखले, इनका जो इंग्लिश में जो इनकी रचना है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इनकी नोवेल है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए इन्हें साहित्य एकेडमी 2021 मिला है। रामनाथ गोयनका अवार्ड ये किसे मिला है? जिशान ए लतीफ को मिला है। ICMR नेशनल अवार्ड डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड, ICMR नेशनल अवार्ड जिसका नाम, अवार्ड का नाम क्या है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड ये किसे मिला है? डॉक्टर सतीश अडिगा को मिला है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है स्कॉच लिटरेचर अवार्ड, स्कॉच के अवार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्कॉच लिटरेचर अवार्ड मिला है बुक जिसका नाम था राइजिंग टू द चाइना चैलेंज विनिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज, तो इस बुक को मिला है क्या? इस बुक को मिला है भाई, इस बुक को मिला है स्कॉच लिटरेचर अवार्ड 2021। क्या हो रहा है ये, चलिए नेक्स्ट है 12th भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2020 किसे मिला? तो भारत रत्न नहीं मिला है, ये क्या है, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड है ये 2022 वाला, ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा, हर्षाली मल्होत्रा को मुन्नी के किरदार में आपने देखा था बजरंगी भाईजान में, उन्हें ये मिला है। नेक्स्ट है नेताजी अवार्ड 2022 बाई नेताजी रिसर्च ब्यूरो, नेताजी रिसर्च ब्यूरो यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड दिया जाता है, तो ये 2022 वाला किन्हें मिला है? शिंजो अबे, पूर्व प्रधानमंत्री है ये जापान के, इनको मिला है, और हाल ही में इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है असम वैभव अवार्ड ये किसे मिला है? इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को, ये रिपीट हो गया, ठीक है। 18th लेट माधव राव लिमाए अवार्ड अंडर एफिशिएंट एमपी कैटेगरी, एफिशिएंट एमपी कैटेगरी यानी कि ऐसे एमपी, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो काफी अच्छे से काम करते हैं, एफिशिएंटली काम करते हैं, तो 18th लेट माधव राव लिमाए अवार्ड ये मिला है किसे, किस एमपी को? नितिन गडकरी को मिला है। उसके बाद है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 ये किसे मिला है? तो ये मिला है, वेट 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 बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है संदीप बख्शी को, ठीक
ठीक है, तो इतना ये नेशनल अवार्ड्स में ये इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल अवार्ड्स की, ठीक है? तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा जहाँ पे भी कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि और लोगों के पास भी ये पहुँच सके। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय।